ठीक है, ओके चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपने असाइनमेंट ओपन कर सकते हो जिसके प्रिंट आउट मैंने आपको दिए थे लास्ट टाइम, इसके प्रिंट आउट मिले थे आपको, इसे ओपन करो प्लीज, अभी शेयर कर लो प्लीज। ठीक, नहीं तो ये रहा, अभी है रुद्र, ये रहा क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, प्रिंट आउट की जरूरत ही नहीं है सच। देखो इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह बताया गया है कि अ वायर इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक टेबल है जिसमें आपने एक लूप ऐसे रख दिया, एक वायर को रख दिया, राइट, क्लोज वायर है, मैग्नेटिक फील्ड आपने इसमें अप्लाई किया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टेबल है ये, ऐसे नहीं है लूप, ये ऐसे है। तो टेबल के ऊपर लूप ऐसे रख दिया, एक वायर को रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर दिया नीचे की तरफ। ठीक, हम इस टेबल का टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू ऐसा दिखेगा आपको, और टॉप व्यू का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड डाउनवर्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसमें हमने क्या पास किया, करंट पास किया। तो मान लो इसमें मैंने इस डायरेक्शन में करंट को पास कर दिया, तो पहले तो ये डिस्कस करो कि ये एक जो लूप है एक सर्कल की शेप ले लेगी थोड़ी देर में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्मॉल एलिमेंट लोगे एल, लेंथ एल, तो ये एलिमेंट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, या बोर्ड पे दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कहां पर है बोर्ड के अंदर, करंट कहां पर है राइट, फोर्स कहां लगेगी ऊपर, तो यहां पर फोर्स कहां लगेगी ऊपर, क्लियर है। उसी तरीके से यहां पर ले लो, करंट कैसे आ रहा है, घूम कैसे आएगा, तो बी कैसे है बोर्ड के अंदर, करंट कहां पर है इस तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी डाउनवर्ड, तो इस तरफ। तो आप जहां मर्जी फोर्स लोगे, फोर्स हमेशा इस लूप के आउटवर्ड लगेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स हर तरफ लगने की वजह से इसकी जो शेप है ये रैंडम शेप की बजाय क्या शेप बन जाएगा, सर्कल। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, फोर्स लगने से इक्वल करते करते ये सर्कल शेप एक्वायर करेगा और ये लूप टाइट हो जाएगा, इसमें टेंशन हो जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है? तो इसमें क्या डेवलप हो गई, टेंशन। तो पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कि अगर इसका रेडियस आर बन गया तो इसमें टेंशन बताओ क्या होगी। तो इसकी टेंशन, रिंग की टेंशन निकालने का तरीका हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में दूसरे लेक्चर में सीख लिया था। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज्ड रिंग हुआ करती थी, तो जब टेंशन निकालनी होती है हम इसका क्या लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। वो स्मॉल एलिमेंट यहां पर क्या बनाता है, स्मॉल एंगल। टेंशन कैसे बनती है, टेंजेंशियल, ये रहा टी और ये भी टी, टी फॉर टेंशन, ये रहा, याद है, ऐसे टी एंड टी बनती है। और ये जो एलिमेंट है ये एंगल बनाता है, यहां पर कोई भी एंगल, जैसे यहां पर इसने बनाया अल्फा, तो आधा एंगल कितना हुआ अल्फा बाय टू और आधा कितना हुआ अल्फा बाय टू। इस डायग्राम को मैंने यहां पेस्ट कर लिया, तो ये डायग्राम समझ में आया कहां से आया, तो एक्चुअल में ये एक सर्कल का एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये स्टेप समझ में आया, तो ये सर्कल का पार्ट है। तो आप इस डायग्राम में चेक कर सकते हो कि ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, डीएल ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया अल्फा, आधा आधा एंगल कितना हो गया अल्फा बाय टू अल्फा बाय टू, टेंशन टी टेंशन टी, ये भी क्लियर, सेम चीज बनाई मैंने, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर ये अल्फा बाय टू तो बाय ऑल्टरनेट एंगल ये एंगल भी अल्फा बाय टू, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर ये अल्फा बाय टू तो ये 90 माइनस अल्फा बाय टू, ये और ये दो लाइन 90 डिग्री पे हैं, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा बाय टू तो बचा हुआ एंगल अल्फा बाय टू। तो ऐसे हमने कई क्वेश्चन में किया कि अगर ये एंगल अल्फा बाय टू तो ये एंगल स्ट्रेट वे लिखा जा सकता है कितना अल्फा बाय टू, उसी तरीके से अगर ये अल्फा बाय टू तो ये स्ट्रेट वे क्या हो जाएगा अल्फा बाय टू। टेंशन के कॉम्पोनेंट्स होंगे टी, टी कॉस अल्फा बाय टू, टी साइन अल्फा बाय टू, टेंशन का एक कॉम्पोनेंट टी कॉस अल्फा बाय टू, टी साइन अल्फा बाय टू, कॉस वाला कॉम्पोनेंट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे
कैंसल, और ये जो एलिमेंट है डीएल, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बी कैसे है बोर्ड के इनसाइड, करंट कैसे जा रहा है इसमें, इस तरफ, फोर्स कहां लगेगी, ऊपर, कितनी लगेगी, बी आई डी एल, क्योंकि लेंथ हमने कितनी ली डीएल, बी आई डी एल साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में एंगल कितने हैं 90, तो कहां लगेगी, ऊपर लगेगी। तो ये वेक्टर क्लियर है, और ये एलिमेंट मैंने दिखाया बहुत बड़ा है, लेकिन इन रियलिटी दिस इज वेरी 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 स्मॉल। ये इतना छोटा है कि ये टी साइन अल्फा बाई टू, टी साइन अल्फा बाई टू इतनी नजदीक है कि टोटल सम कितना हो जाएगा, टू टी साइन अल्फा बाई टू, जो कहां एक्ट करेगा, टूवर्ड्स सेंटर। और एक टाइम पे आके रिंग अब इनफाइनाइट थोड़ा ना फैलती जाएगी, कभी ना कभी रुक जाएगी, और वो कब रुकेगी, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो, और ऐसा कब होगा, जब ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो ये स्टेप सबको क्लियर है कि जब आपको टेंशन टी निकालनी है तो उस एलिमेंट पर अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये मैंने इनको इक्वल किया, और हमने हमेशा ऐसा सीखा एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, एंगल अल्फा बाई टू, साइन ऑफ अल्फा बाई टू की जगह अल्फा बाई टू, टू से टू कैंसल, तो टी इंटू अल्फा क्या आ गया, बी आई इंटू डी एल, तो टेंशन क्या आ गई, बी आई डी एल बाई अल्फा। क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें? हमने टेंशन निकालनी है। अब लास्ट स्टेप, अगर आपको इसमें टेंशन निकालनी है, ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, एंगल इज इक्वल टू आर्क कितनी है डीएल, रेडियस कितना है आर, तो यहां से डीएल डिवाइडेड बाय अल्फा क्या हो जाएगा, आर, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा को नीचे आर को इस तरफ, ये आ गया, तो आप यहां पर डीएल बाय अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, आर। वैसे तो यहां तक आपका आंसर आ गया, डन, क्लोज है। अगर आपको रेडियस आर गिवन है क्वेश्चन में, फिर तो बी आई आर इज द आंसर। पर अगर आपको यह गिवन है कि आपका लूप का सर्कमफ्रेंस एल डिस्टेंस का है, तो आप क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू टू पाई आर, तो आर की जगह एल डिवाइडेड बाय टू पाई, तो आर की जगह क्या पुट करेंगे, एल बाय टू पाई। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया टेंशन निकालने का, कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस 2t sin alpha by 2 के इक्वल थी, इसमें मैग्नेटिक फोर्स 2t sin alpha by 2 के इक्वल है, रूल विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक, क्लियर है? तो ये इसमें लिखा हुआ है सारा, आप चेक कर सकते हो, प्रिंट आउट नहीं अभी है तो खोल लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उससे नेक्स्ट ये भी डिस्कस किया था, लोकस वाला ये भी किया था, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। दो मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं, या पढ़ो और सोचो इसमें क्या लगेगा। तीन इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये पहली वायर है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, एक में करंट ऊपर है, एक में नीचे है, एक में ऊपर है, इनके बीच में सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है और इनके बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है आता, राइट। अब इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स एफ निकालनी है ऑन 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर वाई, वाई वायर का 25 सेंटीमीटर सेगमेंट लेना है और उसके ऊपर फोर्स लगाओ कितनी होगी, कौन लगाएगा, ये वायर लगाएगी और ये वायर भी लगाएगी। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आज के बाद कोई भी पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स हो, तो इनफाइनाइट वायर्स के बीच में जो फोर्स निकलती है वो कभी फोर्स सीधी निकलती नहीं है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलती है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला हमने किया था कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i1 i2 डिवाइडेड बाय r, यही था। और ये भी रूल किया था कि ये दो करंट आर कैरिंग इन जो वायर्स हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे विल रिपेल ईच अदर, और ये दो करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर। तो कहने का मतलब ये वाली वायर इसे रिपेल करेगी इस तरफ, ये वाली वायर इसे रिपेल करेगी इस तरफ, कोई तो फोर्स बड़ी कोई तो फोर्स छोटी लगाएगा, तो जो भी बड़ी फोर्स होगी उसमें से छोटी फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस। पर प्रॉब्लम यह है,
हमें जो फॉर्मूला आता है वो फोर्स का नहीं आता, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का आता है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पहले 30 और 10 के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें। तो इसने इसको रिपेल किया तो इसको कितनी फोर्स मिली, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये फॉर्मूला किसका आया, फोर्स पर यूनिट, पर हमने कितने सेंटीमीटर पे फोर्स निकालनी है, 25 सेंटीमीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, फोर्स। और कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, 25, 25 को मीटर में कन्वर्ट किया, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये क्या आ गई, रिपल्सिव फोर्स। कैसे, फोर्स पर यूनिट लेंथ को 25 सेंटीमीटर लेंथ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। कोई डाउट इसमें, रिपल्सिव फोर्स क्लियर है शिवम? अब इसकी बारी, 20 वाला 10 को फोर्स लगाएगा, 20 वाला 10 को इधर फोर्स लगाएगा, ये वाली वायर इधर फोर्स लगा रहा है तो ये वाली वायर इधर फोर्स लगा रही है। कितनी लगा रही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो एक्सप्रेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, इसको 25 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें ये ना, तो ये क्या आ गई, फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन कहां है, इस तरफ। ये वाली फोर्स की डायरेक्शन कहां थी, इस तरफ। और साफ पता लग रहा है ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि ये फोर्स 30 और 10 की है, ये 20 और 10 की है, ये डिस्टेंस भी कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, ये वैसे भी पास है ना तो ज्यादा फोर्स लगाएंगी। तो ये वाली फोर्स, पहली फोर्स बड़ी है, दूसरी फोर्स छोटी है, तो बड़ी में से छोटी फोर्स को क्या कर देना है, माइनस। और नेट रिजल्ट कहां आएगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट वाली फोर्स बड़ी है, लेफ्ट वाली फोर्स छोटी है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया कि पैरेलल वायर्स में क्या निकलेगी, पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगी, फोर्स। कुदरत, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो ये टॉप, ये भी क्लियर है। तीसरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया था, ये हमने किया था डिस्कस, राइट? ओके, ये क्वेश्चन हमने किया था, ये नहीं किया था, ओके। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है, देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी एंड सी, ये रहा ए बी सी, करंट ए से आया सी में गया, मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला है, 5 टेस्ला है, क्या निकालनी है मुझे, फोर्स, किस पे, ए बी सी पे। तो मुझे फोर्स किस पे निकालनी है, ए बी एंड सी पे, ठीक। मैंने आपको बताया था कि वायर चाहे गोल घूमे चाहे टेढ़ी मेढ़ी जाए, हमने जब फोर्स निकालनी होती है पूरी वायर पे, तो जैसी मर्जी घूम घूम के जाए, हमने क्या लेनी होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई 5। तो इस केस में फोर्स इस ए सी पे, इमेजिनरी ए सी पे क्या लगेगी, बी आई एल साइन 90, इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कैसे एंगल पर है, बोर्ड के अंदर है 90। तो ये लेंथ कितनी है, 5, तो बी कितना है, 5, करंट कितना है, 10, लेंथ की जगह 5, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। इसका मतलब आपने जो लेंथ लेनी है ना, ये लेनी है ना, ये लेनी है, आपने डिस्प्लेसमेंट लेनी है, और डिस्प्लेसमेंट कितने सेंटीमीटर है, 5। तो 5 × 10⁻², साइन 90, इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर में लेंथ में एंगल क्या बनेगा, 90। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट? और बाई चांस अगर कोई डायरेक्शन पूछ लीजिए, भी सुन लो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ना इधर लगाओ ना इधर लगाओ, आप मन में मानो कि आपकी वायर तो एसी है और करंट कहां से कहां आ रहा है, ए से सी, आप अपने मन में मानो कि करंट ए से सी ऐसे आ रहा है, राइट, ऐसे आ रहा है, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है तो आपने ऐसे मानना है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड, करंट आपने मानना है ऐसे, तो फोर्स कहां लगेगी, ऐसे, फोर की तो ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे लगेगी, ठीक। तो बी करंट फोर्स, गुड आउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आया कि अगर डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ही निकलेगी, पूछा नहीं वो अलग बात है, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमने डिस्कस किया था, ये भी नहीं किया, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, व्हेन
मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन एज शोन इन द फिगर. मैग्नेटिक फील्ड बोलो फिगर में बाहर है कि अंदर है? डॉट का मतलब बाहर है, क्रॉस का मतलब अंदर है. तो डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, और लूप है एंटी क्लॉकवाइज करंट है. क्वेश्चन आएगा कि एक्सपैंड होगी या ये कॉन्ट्रैक्ट होगी. अभी अभी हमने किया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला. इसमें रिंग क्या हुई थी? एक्सपैंड हुई थी, क्योंकि फोर्स कहां लगी थी? बाहर की. तो सेम क्वेश्चन है. तो कैसे? आप यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है. बी कैसे है? बाहर है. करंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर कहां जा रहा है? इस तरफ. तो फोर्स कहां लगेगी? ऊपर. ऊपर यहां ले लो, यहां करंट कैसे जा रहा है? इस तरफ, राइट की तरफ. बी कैसे है? बाहर. करंट कैसे है? ऐसे. फोर्स कहां लगेगी? नीचे. तो फोर्स ऊपर लगेगी, फोर्स नीचे लगेगी. जहां मर्जी देख लो, फोर्स इस वायर के परपेंडिकुलर बाहर ही लगेगी. तो अल्टीमेटली ये रिंग क्या हो जाएगी? एक्सपैंड होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी. क्या पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ, अगर यहां डॉट की जगह क्रॉस होता तो सारी फोर्स बाहर की बजाय अंदर हो जाती, और रिंग क्या हो जाती? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती. देखना पड़ेगा फ्लेमिंग का रूल लगा के. फोर्स अगर बाहर है तो एक्सपेंशन है, और अगर अंदर है तो कंप्रेशन. कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है सबको रूल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है. ये आपके सामने करंट कैरिंग लूप है, ये रही. करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. बी ना बोर्ड के बाहर है, बी ना बोर्ड के अंदर है. बी इस वायर के परपेंडिकुलर है खुद, राइट? तो इसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे मेंशन्ड है. ये आपके पास एक रिंग है, इसमें करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है. और बी कैसे है? बी ना बोर्ड के बाहर ना अंदर, तो ऐसे है. बी की वैल्यू कुछ इस तरीके से है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये रहा बी, ठीक. और रेडियस इसका कितना है? आर है, ठीक. मैं जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक किया है वो आपको रूल लगाने आने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए और रूल लगाने आने चाहिए. तो जो काम हमने किया बस वो रिवाइज करके आना है. बहुत बेसिक टेस्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भी नहीं हो पाएंगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीक रखा हुआ है पूरा, क्योंकि उसके अगले संडे शायद टेस्ट नहीं होगा, उसके अगले संडे होगा. तो मैं आपको 10-12 दिन दूंगा आराम से, ताकि आप ए और बी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर सको. और तब तक मैं अपनी शीट्स को भी आगे आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ताकि शीट्स भी निकल आएंगी. मतलब सॉल्व करता जाऊंगा धीरे धीरे करके, आपके डाउट्स देता जाऊंगा, और आपकी ठीक प्रैक्टिस हो जाएगी. तो अभी ऑब्जेक्टिव के लिए आप रेडी नहीं होंगे, कि इतने सारे क्वेश्चंस अभी तो बुकलेट स्टार्ट करनी है अपने. ऑब्जेक्टिव अभी आपने ट्राई करनी शुरू कर दी होगी. निकल रहे हैं क्वेश्चंस? कितने लोगों ने ट्राई की? निकल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक. तो टाइम है, टाइम दूंगा करने के लिए. तो आप प्लीज़ 5-5 करके शीट्स को ट्राई करेंगे, ठीक. तो अभी इसकी प्रैक्टिस ही करते हैं. तो इसके अंदर क्या गिवन है? ये लूप है, कह रहे फोर्स कहां लगेगी. चलो फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं, लेफ्ट हैंड रूल. बी कहां पर है? यहां पे शुरू कर. बी कहां पर है? ऊपर, फर्स्ट फिंगर ऊपर. करंट कहां पर है? इस तरफ. फोर्स कहां लगेगी? बोर्ड के अंदर, राइट. बोर्ड के अंदर. डाउट इसमें? बी, करंट, फोर्स, बोर्ड के अंदर. चलो यहां करते हैं. बी कहां पर है? नीचे. करंट कहां पर है? मेरी तरफ. तो फोर्स कहां लगेगी? इनसाइड. बी नीचे है, करंट मेरी तरफ है, तो बी फोर्स कहां है? अब जहां मर्जी लगा लो, फोर्स हमेशा कहां आएगी? इनसाइड. तो आंसर आ गया, फोर्स कहां लगेगी? इनसाइड इनटू द
पेज क्रॉस, मेथड समझ में आया, फ्लेमिंग का रूल है, दैट्स इट। ठीक आयुष क्लियर है, शिवम फ्लेमिंग का रूल क्लियर है, वे सारा सारे क्वेश्चन ज्यादातर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन प्लीज अगर सॉल्यूशन ना देखें तो मैं चाहता हूं प्लीज एक बार आप इसे खुद एक बार सोचें कि कैसे करना है। ठीक देखो जरा, ये क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपको फोर्स एक्सपीरियंस बाय दी वायर बताना है, और ये क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड टू बी नॉट है, रेडियस आर है, तो ये सेमी सर्कल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सॉल्यूशन को बिना देखे कर सकते हैं सॉल्व, ट्राई करें। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक काम करना है इसमें कि ये जो सेमी सर्कल है इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट नहीं है। अगर ये टोटल होता ना बी नॉट बी नॉट बी नॉट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ आया तो मैं डिस्प्लेसमेंट कितनी ले लेता, 2R, तो बी इंटू आई इंटू 2R मेरा आंसर हो जाता। पर यहाँ आधे में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और आधे में 2B नॉट है, तो एक काम करते हैं इस क्वाड्रेंट पे अलग फोर्स निकालते हैं, इस क्वाड्रेंट पे अलग फोर्स निकालते हैं। तो यहां से लेके यहां तक अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो मुझे काम करना है, मुझे यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। देखो ठीक है ना, तो हम ऐसे केस में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो मैंने यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट ले ली, अगर ये आर है, अगर ये आर है तो ये रूट 2R है। तो पहले इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कितनी है, बी नॉट है, करंट कितना इसमें आए, क्योंकि हमने ये मानना है कि करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट ऐसे जा रहा है, तो बी नॉट आए और ये आर तो ये रूट टू आर डिस्प्लेसमेंट है, बी आए रूट टू आर साइन 90, साइन 90 इसलिए क्योंकि लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है 90, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। क्या रूल क्लियर है, एंगल किसके किसके बीच में देखा जाता है, एल और बी में, आई इंटू एल क्रॉस बी होता है ना, फोर्स इज आई इंटू एल क्रॉस बी, तो लेंथ वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, तो एंगल उनके बीच में कितना है 90। क्या पॉइंट क्लियर है, तो ये वैल्यू आ गई यहां पर। अच्छा उसी तरीके से ये जो यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड 2B नॉट है, तो हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं अलग से। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारी वायर है, ये आर है, ये आर है, ये रूट 2R है, अगेन इसमें करंट ऐसे जाने की बजाय मानते हैं ऐसे जा रहा है, तो बी बी नहीं 2B नॉट आए रूट 2R साइन 90। तो दोनों फोर्सेस आ गई आपके पास F1 और F2। डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कैसे, करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो आपने फ्लेमिंग का रूल यहां नहीं यहां लगाना है, बी कैसे है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के अंदर, करंट कैसे है ये रहा, फोर्स कहां लगेगी ऊपर, तो इस वायर के परपेंडिकुलर। क्या पॉइंट क्लियर है, बी
करंट फोर्स, ठीक। इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, आपने ये नहीं मानना, आपने ये मानना है। तो बी कैसे है, ऐसे। करंट कैसे है, नीचे की तरफ। फोर्स कहां पर है, ऊपर, राइट। तो दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एंगल क्या आएगा सेंटर पे, 90। तो नेट जो बी आएगा, नेट बी की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे मिलेंगे सेंटर पर, क्योंकि इन दो वायर्स के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही है, मिलाओगे तो 90 एंगल की वजह से पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है कार्तिक, ठीक। तो एफ वन एफ टू क्लियर है, तो बायसिमेट्री एंगल यहां पर क्या बनाएगा 90, राइट। तो दो फोर्सेस निकलेंगे अलग अलग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, और फिर वेक्टर सम। ओके, कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बार पढ़े प्लीज। देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं, इसमें करंट कैरिंग वायर है और सपोज करंट कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। इसके अंदर करंट कैरिंग वायर है आई, इसका मास कितना है वायर का, एम। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के साथ कितना एंगल बना रहा है, बी, 90 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ, करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितनी, बी आई एल साइन 90, ठीक हो गया। फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, रेस्ट पे पड़ी हुई वायर एकदम चलेगी, चलेगी तो वेलोसिटी होगी। तो बताओ इसमें अगर क्यू चार्ज मैंने पास कर दिया, इसके अंदर अगर मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर दिया, तो जैसे ही मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया तो इस वायर की वेलोसिटी कितनी होगी, ये चलेगी किसी वेलोसिटी से, एकदम जीरो रेस्ट पे थी, झटका लगेगा इसे एकदम, क्योंकि करंट जाएगा तो एकदम फोर्स लगेगी, वो जो झटका लगेगा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। और इनिशियली वायर किस पे पड़ी होगी, एट रेस्ट, आपको वी निकालना है, ठीक है यहां तक। जब भी मेरे क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में फोर्स की वजह से वेलोसिटी निकालनी हो, एकदम चीज रेस्ट पे हो और एकदम आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए बिकॉज ऑफ फोर्स, तो आप ये समझ लेना कि वो क्वेश्चन इंपल्स का क्वेश्चन है। कैसे पता लगा, वैसे पता लगा क्योंकि इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली वायर का मोमेंटम क्या है, जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना है, एम इन टू वी, इनिशियल जीरो, क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता था, इंपल्स, और इंपल्स क्या होती थी, फोर्स इन टू टाइम। तो यहां से पता लगता है कि हमारी प्रॉब्लम चेंज इन मोमेंटम की है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले फोर्स ऑन कंडक्टर हमने निकाल लिया, फोर्स ऑन कंडक्टर कितना है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है इंपल्स, एफ फोर्स की वजह से कितना लगा, देखो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। मान लो डी टी टाइम, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी लिया, तो स्मॉल इंपल्स कितना लगा, एफ इंटू डी टी। एफ क्या होता है, बी आई एल, यहां से कॉन्स्टेंट बाहर आ गया बी और एल, तो आई डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टोटल चार्ज। करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज क्यू, आंसर बी एल क्यू। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास इंपल्स आ गया। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, एमवी, इनिशियल क्या था, जीरो, तो एमवी माइनस जीरो इज इंपल्स, और इंपल्स क्या आया, बी एल क्यू। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ गई। एक और तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपके पास फोर्स आ गई, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डीवी बाय डीटी, डीवी और डीटी की फॉर्म में रिजल्ट लिखो, इंटीग्रेट करो तो भी वी आ जाएगा, सेम आ रहा है, वो भी सही है, आप वो ज्यादा बेटर लगा कई लोगों को। फोर्स से मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकाल के डीवी बाय डीटी को इंटीग्रेट करोगे तो वी आ गया, एक ही बात है, ये थोड़ा छोटा है, वो इंटीग्रेशन के साथ है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। लो इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन करो, मैंने लिखा हुआ है साइड ऑफ फ्रेम 1 मीटर है, ये स्क्वायर फ्रेम है, साइड ऑफ फ्रेम की जगह
लेंथ सी डी इज 1 मीटर करो, लेंथ सी डी इज 1 मीटर. अब क्वेश्चन पढ़ो प्लीज. लेंथ सी डी इज 1 मीटर. डी लास्ट पॉइंट है, डी फ्रेम में डायग्राम में. ए डी समझ में आ गया क्या किया? देखो इस क्वेश्चन में सी पॉइंट से करंट चलता है, डी पे पहुंचता है, तीन वायर्स के थ्रू पहुंचता है. पहला सी ए डी, दूसरा सी डी, तीसरा सी ई डी. तो अगर मैं ये बोलूं कि सी डी की जगह सी ए डी पे फोर्स निकालो, तो आपको तो देखनी होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन सी है, फाइनल पोजीशन इसकी डी है, तो आप क्या लेंगे? इसकी डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगी? सी डी 1 मीटर. तो इसके ऊपर जो फोर्स निकलेगी वो एग्जैक्टली उसके इक्वल होगी जो सी डी पे निकलेगी, क्योंकि सी डी वायर के अंदर भी करंट है. तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगी? बी आई एल साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के साथ एंगल कितना बना रहा है? 90, राइट. और इसके साथ भी सेम रूल है, चाहे वायर गोल घूमे चाहे रेक्टेंगल जैसे मर्जी घूमे, आपने लेनी होती है डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट इसमें फिर से क्या होगी? सीडी. नीचे वाली वायर की भी सीडी, ऊपर वाली वायर की भी सीडी, और सीडी की खुद सीडी. तो एक्चुअल में तो ये तीन तारे हो गई, तीनों की तीनों सीडी के क्रॉस जा रही हैं. तो सीडी की फोर्स निकाल लो बी आई एल साइन 90 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट समझ में आया. और डायरेक्शन सारे करंट राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें बी कहां है? बोर्ड के अंदर. करंट कहां है? राइट. तो फोर्स कहां लगेगी? तो तीनों के तीनों वायर में फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? अपवर्ड्स. बट मैं कैलकुलेशन सही नहीं है. अच्छा ठीक कर लेना इसे यार, ठीक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक कर लेना जो भी है कर लेना. पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन यहां तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज. तो आपको इसमें क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है पी क्यू के ऊपर.
देखो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से आगे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर पी क्यू वायर के ऊपर हमें फोर्स निकालनी है। किसकी वजह से निकालनी है? इस इनफाइनाइट वायर की वजह से निकालनी है। इनफाइनाइट वायर में करंट कितना है? आए। अब मुझे ये पता है कि आए इनफाइनाइट वायर अपने आसपास क्या लगाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इनफाइनाइट वायर यहां पर बी ज्यादा लगाएगी, यहां पर कम 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 और कम। तो हर पॉइंट पर जितना पॉइंट दूर जाएगा वायर से, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम लगेगा। तो इस केस में अगर मान लो ये वायर है, वायर के एक्स डिस्टेंस दूर आपको अगर बी निकालना है, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एक्स। तो किसी भी डिस्टेंस एक्स पर बी हमें मालूम है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, क्योंकि बी हर पॉइंट पर कम हो रहा है, फोर्स भी हर पॉइंट पर कम लगेगी, टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन ही एक तरीका है। सारी फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा तो टोटल फोर्स आएगी। ठीक, तो सारी फोर्सेस को ऐड करने का तरीका क्या रहेगा? पहले एक स्मॉल लेंथ लेंगे इसकी dx, पूरी लेंथ लेने के बजाय स्मॉल लेंथ dx। dx एक छोटी सी लेंथ है जिसमें i करंट है, तो इसके ऊपर x डिस्टेंस दूर है, तो x डिस्टेंस दूर यहां पर b कितना लग रहा है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय x। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आया? 2i बाय x। dx एलिमेंट पर फोर्स क्या लगेगी? b i लेंथ, लेंथ कितनी? dx, क्योंकि हमने लेंथ स्मॉल कितनी ली है? dx। तो b i dx sin 90। sin 90 क्यों? क्योंकि b की जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के इनसाइड है। कैसे? ये करंट ऊपर है, थंब ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा? बोर्ड के इनसाइड। करंट ऊपर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड लगेगा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। और लेंथ इस तरीके से है, तो बी अंदर है, लेंथ ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90। तो क्या बनेगा? स्मॉल फोर्स निकलेगी, बी आई लेंथ साइन 90, और लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे? dx। क्या है पॉइंट? क्लियर है? और बी का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय x इनटू i इनटू dx, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और टोटल निकालने के लिए ये जो लेंथ है आपको ओरिजिनल फिगर में आपके डायग्राम में गिवन है, a बाय 2 है, तो पहला एलिमेंट ये होगा और आखिरी ये होगा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी? ये डिस्टेंस कितना है? a बाय 2, और ये डिस्टेंस कितना है? a, तो a बाय 2 प्लस a 3a बाय 2, तो पहला एलिमेंट a बाय 2 पे इस वायर से और आखिरी एलिमेंट 3a बाय 2 इस वायर से, तो लिमिट क्या लगेगी? a बाय 2 से लेके 3a बाय 2। और इंटीग्रेशन 1 बाय x dx की, बाकी सब कांस्टेंट है, 1 बाय x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x, log ऑफ x a बाय 2 से लेके 3a बाय 2 तक। आंसर पॉइंट समझ में आया कि कैसे करना है? मतलब वो इंटीग्रेशन का रूल समझ में आया? पहले, क्योंकि फोर्स हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, पहले स्मॉल लेंथ लेंगे, स्मॉल लेंथ की स्मॉल फोर्स निकलेगी, स्मॉल फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स निकलेगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, ये क्वेश्चन देखें प्लीज। इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होगा, मतलब ऐसा नहीं है खुद बनाना है, डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन पढ़े और देखे क्या आंसर होगा। Thank you.
दो तरीके हैं, स्केलर एंड वेक्टर दोनों हैं। मैंने वेक्टर से किया है, मैं दो तरीके स्केलर से भी करके दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये कहना है कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और इस फॉर्म में पैराबोला की शेप में है, ठीक। तो करंट इस तरीके से ये रहा, तो हमें पता है कि हमें क्या लेनी होती है फोर्स निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या ज्वाइन करेंगे, ए से पी। हम ये मानेंगे कि हमारा जो करंट है वो ऐसे घूम के ए से बी पे नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, ए से बी ऐसे आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई ये ना कहे कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ए से बी, क्योंकि ओरिजिनली करंट ए से बी पे आ रहा है। सारी वैल्यूज आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको पता लग रहा है इसमें ये लेंथ 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो टोटल लेंथ 4 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है इसमें -4 k कैप, -k कैप का मतलब बोर्ड के इनसाइड, k कैप का मतलब बोर्ड के आउटसाइड, तो इसमें -k कैप है, -k कैप का मतलब बोर्ड के अंदर। क्या पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर अगर वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन निकाल लें तो I इंटू एल क्रॉस बी, सीधा फॉर्मूला। करंट आपको क्वेश्चन में 2 पता है, लेंथ वेक्टर की फॉर्म में बोलो कहां से कहां, ए से बी। ए से बी का मतलब किस एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यानी कि -j। तो लेंथ कितनी है, 4 मीटर, 4 के साथ क्या लगेगा, -j। और बी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से सीधा j क्रॉस k करोगे तो आई आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आंसर। तो फाइनल डायरेक्शन कहां आई, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, एक तरीका है। पर हमें आदत है स्केलर में, कोई दिक्कत नहीं, तो लोग स्केलर कर रहे हैं। बस ये बोलो लेंथ कितनी है, 4, बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना है, 4, माइनस साइन को छोड़ो, डायरेक्शन छोड़ो, 4, लेंथ भी 4, करंट कितना है 2। तो फॉर्मूला बी आई एल साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो बी कितना है, 4 × 4 × 2, तो कितना आ गया, 32। तो मैग्नीट्यूड तो 32 आ गया। अच्छा, डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अपने मन में स्ट्रेट वायर कैसी लेनी है, ए से बी, तो करंट को कहां शो करना है, ए से बी, फ्लेमिंग का रूल। बी कैसी है, बोर्ड के अंदर, -k कैप, -k कैप का मतलब क्या होता है, बोर्ड के इनसाइड, के कैप कहां होता है, बाहर, -k कैप कहां होता है, अंदर। तो बी ये रहा, करंट कैसे लेंगे ए से बी, तो फोर्स कहां लगेगी, x एक्सिस के पीछे, 32 के पीछे, 32 के पीछे, आए कैप स्केलर में भी आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं, वेक्टर से करेंगे तो भी ठीक, स्केलर से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। वेक्टर में तो 2 वेक्टर ढूंढने पड़ते हैं, स्केलर में कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू निकाल लो फिर फ्रेमिंग का रूल लगा लो, ठीक। जो वेक्टर का रूल है ना, आई इंटू एल क्रॉस बी, वो ज्यादातर तब यूज होता है जब बी वेक्टर ना -k कैप की जगह i कैप + j कैप + k कैप ऐसे गिवन हो, तो फिर तो आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा i × l × b, क्योंकि उसमें तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना कि कैसे लगाना है, तो फिर l क्रॉस b का ही रूल लगेगा इसमें। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। ओके, मैंने आपको एक और प्रिंट आउट शीट दी है, एक और शीट हैंड रिटन आपको मिली है, जिसका पहला डायग्राम ये है, प्लीज ओपन करना, जिसका ये पहला डायग्राम है। देखो क्वेश्चन पढ़ो प्लीज।
देखो कितने लोगों को समझ में आ गया क्या किया इसमें? ओके बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल एक चीज पूछी गई है कि करंट इसमें ऊपर गया, सेमी सर्कल में घूमा और नीचे आ गया, तो आपको बी कहां निकालना है? नहीं, आपको फोर्स किस पे निकालनी है? पूरी वायर पे। इट इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले ये वायर लें, फ्लेमिंग का रूल, BIL साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है बोर्ड के इनसाइड, करंट कैसे है ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगी? लेफ्ट। फोर्स आ गई, उतनी फोर्स यहां लगेगी। बी कहां पर है? बोर्ड के इनसाइड। करंट कहां पर है? नीचे। फोर्स का लगेगी राइट। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दे विल कैंसल ईच अदर। अब क्या बचा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एक ही तरीका है, डिस्प्लेसमेंट लो। टेढ़ी वायर तो लेनी नहीं है, स्ट्रेट वायर लेते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करो। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आप अपने मन में वायर को ये नहीं लोगे, ये लोगे, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2R। तो वैल्यू क्या लगेगी इस फोर्स की? बी आई लेंथ, लेंथ की जगह 2R साइन 90। और डायरेक्शन बी बोर्ड के अंदर है, क्योंकि सेमी सर्कल में करंट ऐसे गया तो मन में मानो कि इसमें करंट ऐसे गया, तो बी अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स ऊपर। तो आंसर क्या आएगा? बी आई इंटू 2R अपवर्ड्स। पॉइंट समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितने लोगों को समझ में आया क्या किया? देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले मैं इसका एक्चुअल तरीका ये बताता हूं कि इसमें हुआ क्या। सबसे पहले आपने बैटरी को किया बंद, दो ये रेल्स हैं और ये रॉड है, रॉड का मास m है, और जब आपने बैटरी को बंद किया तो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकला, ऊपर गया, घूमा और वापस आ गया, क्योंकि ये कनेक्शन तो बना नहीं हुआ था तो करंट यहां पर तो जाएगा नहीं, क्लोज लूप में जाता है, तो करंट घूम के यहां से यहां आ गया। ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर था? बाहर था, तो बी बाहर है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का। करंट इसमें कैसे जा रहा है? ऊपर, तो बी बाहर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगी? रॉड पे टुवर्ड्स राइट। मैं इस पर लगा रहा हूं, इस पे करंट कहां जाने वाला है? ऊपर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बी बाहर है, करंट इसमें ऊपर है इस रॉड पे, तो फोर्स इस तरफ। तो ये रॉड कहां मूव करेगी? टुवर्ड्स राइट। अगर फ्रिक्शन ना होती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है रॉड? एल। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स टोटल वर्क डन कितना करेगा एंड पे लाने के लिए? एफ इंटू एल।
और एफ की वैल्यू क्या होती है, बी आई, तो मैग्नेटिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, बी आई एल इंटू एल, कोई डाउट इसमें, ठीक, बी आई सॉरी बी आई लेंथ नहीं, बी आई बी, क्योंकि रॉड की लेंथ इसमें एल नहीं है, रॉड की लेंथ इसमें बी है, तो बी आई बी कर देना प्लीज, इंटू वर्क डन निकालने के लिए एल लेंथ किया, कोई डाउट इसमें, तो कुल मिला के मान लो फ्रिक्शन नहीं है, दो मिनट के लिए मान लो भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर देगी, ताकि रॉड कहां चली जाए, एल डिस्टेंस पे इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी, ठीक हो गया। अभी इस सॉल्यूशन को देखो, फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क डन टोटल कर दिया उसने, अब मान लो रॉड चल पड़ी लेकिन रास्ते में फ्रिक्शन है, ये सारा वर्क डन फ्रिक्शन ओवरकम कर देगी अपना वर्क डन करके, और अल्टीमेटली वो एल तक नहीं पहुंच पाएगा, मान लो वो कहां तक पहुंचा, एक्स तक, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, एफ इंटू एक्स, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए रोकने के लिए, जितना मैग्नेटिक फोर्स ने किया था, तो मैग्नेटिक फोर्स ने कुल मिला के टोटल वर्क डन कितना करना था, अगर फ्रिक्शन ना होती एफ इंटू एल, पर फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो दोनों फ्रिक्शन ने एग्जैक्टली उतना ही वर्क डन किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स एम जी, तो यहां से सॉल्व करके एक्स आ जाएगा। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में ना ये नहीं गिवन होता, ज्यादातर न्यूमेरिकल में गिवन होता है कि रॉड चल पड़ी विद द वेलोसिटी ऑफ वी, अगर सेम क्वेश्चन में यही गिवन होता कि रॉड चल पड़ी विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो आप ये बोलते कि रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको किसने ओवरकम कर दिया, फ्रिक्शन के वर्क डन ने, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्स, तो मान लो वो हाफ एम वी स्क्वायर, मान लो 10 जूल है, तो 10 जूल इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स, तो वहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मान लो 10 जूल है, 10 जूल इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो आप पहले टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लें बिना फ्रिक्शन के, फिर ये कहें कि नहीं नहीं वो वर्क डन जो है वो ओवरकम करेगा कौन, फ्रिक्शन का वर्क डन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन एक्स की फॉर्म में निकाले, वहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो रोकी देगी उसे, तभी रुकेगी ना, रॉड को रोकना है, रोकने का मतलब अल्टीमेटली उसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लेना है। क्वेश्चन देखो प्लीज पढ़ो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, नॉर्मली क्या है कि टोटल फोर्स पूछी जाती है, उसने ये पूछा कि करंट 2 एम्पियर आया, स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है, तो और बी की वैल्यू 0.1 टेस्ला है, आपको ये बताना है फोर्स ऑन फोर साइड्स ऑफ फ्रेम, चार साइड है फ्रेम के, तो एक एक साइड पे कितनी फोर्स है इसकी वैल्यू बताओ,
रूल नंबर वन, अगर यहां से 2 एम्पियर करंट आया, आधा इस तरफ से जाएगा आधा इस तरफ से जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा 1 एम्पियर, यहां से क्या जाएगा 1 एम्पियर, तो टोटल वापस 2 एम्पियर। तो स्क्वायर फ्रेम की साइड में 1-1 एम्पियर करंट ही होगा सिर्फ, क्लियर है? तभी मैंने स्टार लगा के 2/2 किया, यानी कि 1 एम्पियर। तो इस वायर में, एक वायर में फोर्स कितनी लगेगी, बी आई एल साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें बोर्ड के बाहर है और लेंथ ऐसे है, फील्ड बाहर है, तो बी आई एल साइन 90, बी कितना है 0.1, करंट कितना है 1 एम्पियर, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर की, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लो, साइन 90। इतनी फोर्स ईच वायर पे, एक वायर पे पूछा तो हर वायर पे इतनी ही फोर्स लगेगी, ठीक है? तो पर वायर समझ में आया, पॉइंट समझ में आया कि करंट इसमें क्या लेना है, एक साइड में 1 एम्पियर, ठीक है? डाउट है कार्तिक, पूछ ले। टोटल फोर्स देखो, दो तरीके हैं, सुन लो एक मिनट प्लीज, ध्यान से सुन लो। अगर कोई ये पूछे कि मुझे फोर्स सिर्फ यहां चाहिए डीसी पे, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बाहर, डीसी में करंट कहां है इस तरफ, फोर्स कहां आएगी नीचे, ठीक? कोई कहेगा नहीं मुझे फोर्स की डायरेक्शन यहां चाहिए, फील्ड कहां है बाहर, करंट कहां पर है नीचे, इसमें करंट नीचे है, फोर्स कहां लगेगी इस तरफ। आप हर वायर की एक एक करके फोर्स निकाल लो, एक तरीका। कोई कहते हैं पूरे लूप पे फोर्स निकाल लो, पूरे लूप के लिए तो देखो यहां से ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, और करंट अल्टीमेटली कहां से कहां आ रहा है, डी से बी। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो हम वर्चुअली इमेजिन करेंगे कि डी और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, जैसे सेमी सर्कल में नहीं करते, अगर ये सेमी सर्कल होता तो ज्वाइन कर देते, तो जैसी मर्जी है। तो अगर लूप पे फोर्स निकालनी है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसी इसे ज्वाइन कर दो, ठीक? तो पाइथागोरस से ये साइड निकल जाएगी, तो बी आई एल साइन 90 इस पे लगाओ और बी आई एल साइन 90 नीचे की तरफ से लगाओ, यानी कि डबल रिजल्ट आएगा आपके पास, लेकिन ये तब होगा जब लूप पे फोर्स होगी। आपको पर साइड पे फोर्स पूछी है तो एक एक साइड पे चार आंसर होंगे, और पूरे लूप के लिए, इसके लिए ये डायगनल, इसके लिए यही डायगनल, तो फिर एक डायगनल पे पहले फोर्स निकाल लो, बी आई इन टू लेंथ साइन 90, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। डिपेंड करता है लूप पे पूछा या फिर एक एक वायर पे पूछा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन देखो एक बार प्लीज पढ़ो, क्वेश्चन देखो क्या है।
कितने लोगों को समझ में आ गया कि कैसे किया और क्या क्वेश्चन है और ये किया कैसे? नहीं पूरा नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा ये देख के भी समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। ठीक है मैं इसको फिर दो लाइन में करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है राइट, और एक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कैसे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। और मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से रेस्ट पे छोड़ दिया। मुझे ये पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी करेगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है पर प्रॉब्लम ये है कि बीच में क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसा ना मैं साइक्लोट्रॉन सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी था याद करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये करता था कि चार्ज पार्टिकल को खींचता था, डीज खींचती थी, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता था और पार्टिकल को सर्कल में घुमाता था। इसमें भी सेम है, पार्टिकल सीधा जाने की कोशिश कर रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है यानी कि उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल सीधा जा नहीं पाएगा, पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो या तो सर्कल इधर बनेगा या इधर बनेगा, जहां भी बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। अब होगा क्या इसमें, जब ये सर्कल बनेगा तो उस केस में ये देखो ये डायग्राम है, मान लो पार्टिकल इसको टच कर जाता है। देखो बहुत सारे केसेस हैं, पार्टिकल सीधा जाके यहां टच करता है, सर्कल बना ही नहीं पूरा, टक्कर ही हो गई। दूसरा केस है कि पार्टिकल सीधा जाता है और ऑलमोस्ट इस छत को टच करके नीचे आ जाता है, तो एटलीस्ट सेमी सर्कल तो कंप्लीट होता ही है। तो पार्टिकल यहां से गया, हल्का सा टच करता है और सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, तो इसका सेंटर कहीं यहां मिलेगा। तो अगर ये टच करता है तो ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस रेडियस आर हो जाएगा, ये सेमी सर्कल का रेडियस आर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना की बना है डी। तो मेरे को ये पता है कि अगर सपोज करो ये पार्टिकल इसे टच करता है, इट जस्ट टचेस, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा आर। आर मेरे को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पार्टिकल को टच नहीं करवाना, तो फिर डी को बड़ा रखना पड़ेगा और आर को थोड़ा छोटा ताकि नीचे से ही पास कर जाए। तो ये कंडीशन क्लियर है कि अगर वो टच नहीं करता तो डी किससे बड़ा होना चाहिए, आर से। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मुझे ये चीज पता है कि जो डी की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन आर, लेकिन मुझे ये भी पता है जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसकी आर की वैल्यू क्या होती है, एम वी बाय पी क्यू। जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो रेडियस का फॉर्मूला हमने किया था, साइक्लोट्रॉन के अंदर भी किया था और इस चैप्टर में भी किया था, और फॉर्मूला क्या था, एम वी बाय बी क्यू। कोई डाउट इसमें? ये भी समझ में आ गया यहां तक, वेयर वी इज दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब मुझे एक चीज का आंसर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आप इसके डायग्राम को देखें, अगर आप इसके इस डायग्राम को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है V, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है V, ठीक। तो मुझे एक चीज पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस में रखा तो इट विल हैव सम एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज एनर्जी। यहां पर स्मॉल V का मतलब वेलोसिटी है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा चार्ज इनटू पोटेंशियल इज एनर्जी। तो पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिली, क्यू इनटू वी, और पार्टिकल की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है तो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देनी है, और एनर्जी कितनी देनी है, क्यू इनटू वी, और उससे पार्टिकल अगर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? राइट, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में
वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 2qv/m का अंडर रूट, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाल ली, वेलोसिटी। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इस वेलोसिटी को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, तो जब मैं इस वेलोसिटी को यहां पुट करूंगा तो d ग्रेटर देन m बी क्यू, इस वेलोसिटी की जगह अंडर रूट ऑफ 2qv फॉर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय मास m, राइट, पुट कर दिया। या फिर इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रेटर देन अंडर रूट के अंदर ले जाओ सब कुछ, 2qvm, m का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर, अंडर रूट में जाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से m कैंसिल, q से q कैंसिल, ग्रेटर देन 2vm b स्क्वायर, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, e। तो मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना है आपको, कुछ चेक करो, m वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया प्रूफ? तो दो लाइन में प्रूफ हो गया, सफिशिएंट है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्राइंगल गिवन है और 60 डिग्री एंगल है, करंट आ रहा है और करंट इस ट्राइंगल से पास होके बाहर जा रहा है, आपको क्या करना है, सेंटर पे क्या निकालना है, फोर्स नहीं, बी, बी निकालने का काम बायट सेवेट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ करते थे। तो क्वेश्चन बायट सेवेट लॉ पे, स्ट्रेट वायर, तो F इक्वल टू बी आई एल नहीं लगेगा इसमें, बी क्यू वी भी नहीं लगेगा इसमें, तो B निकालने का तरीका देखें, तो B हमने कैसे निकाला था, देखो सबसे पहले इसमें हमने ऐसा किया, मनन करंट आया सेंट्रोइड है, आए करंट आधा आधा डिवाइड हो गया, I by 2 करंट इधर से आया, I by 2 करंट इधर से आया और मिलके I करंट वापस चला गया, ठीक हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गई। मेरे को ये पता है कि जो मुझे फाइनल B निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, इसके सेंट्रोइड पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं इसमें, ठीक, इस फिगर में एक चीज ध्यान से देखते हैं, सपोज ये एक वायर है, ये वाले, ये वायर के एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करता है, तो ये कंट्रीब्यूट बी में नहीं करेगा, ना ही ये करेगा, ठीक हो गया। ये वायर देखते हैं, ये वायर की वजह से यहां बी निकाल लें, तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस आर है, कुछ भी आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो वायर के एक एंड से एंगल अल्फा और दूसरे एंड से ये वाला एंगल क्या बनेगा, बीटा। इसको अगर आर ड्रॉ कर लें तो अल्फा और बीटा याद है, बाइट सेवेट लॉ, स्ट्रेट वायर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये वही फॉर्मूला लग रहा है। तो मुझे पता है कि टोटल एंगल 60 है, तो आधा कितना है, 30, ये 30 है और आर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना बनेगा, 90, तो ये 30, ये 90 एक ट्राइंगल के अंदर, तो ये कितना बनेगा, अगर ये 60 तो सिमिलरली ये भी 60। तो बी का जो फॉर्मूला आएगा इसकी वजह से वो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाई R साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, साइन 60 प्लस साइन 60, क्या है पॉइंट क्लियर है? आपको ना R की वैल्यू चाहिए नहीं होगी, बताता हूं क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी वजह से होगी उतनी वैल्यू इसकी वजह से भी होगी, और मुझे पता है कि इसमें करंट इस तरफ है तो B कैसे आएगा, बाहर, और इसमें करंट इस तरफ है तो B कैसे आएगा, इनसाइड, तो आउटसाइड और इनसाइड का अफेक्ट आपस में, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पता लग ही रहा है कि इसकी और इसकी वजह से आंसर कैंसर, क्या है पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट इसमें ऐसे आ रहा है,
तो बी कहां निकाल लें, बाहर, इसकी वजह से कैसे आएगा, बाहर, लेकिन इसकी वजह से कैसे आएगा, इनसाइड, तो ये अफेक्ट भी आपस में कैंसर, तो करना क्या है, नेट आंसर जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है, नेट आंसर तो जीरो हो गया ना, ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, विद क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखना प्लीज, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज। कितने लोगों को समझ में आ गया? देख के समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया है। देखो साफ पता लग रहा है कि इसमें ए बी सी की रेजिस्टेंस आर है, गिवन ही है वो, तो ऊपर की रेजिस्टेंस आर है, नीचे की रेजिस्टेंस 2R है, तो अगर पीछे से आई करंट आया तो आर और 2R में अगर रेशियो में डिवाइड होना है, और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो ऑब्वियस है वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो मुझे ये चीज पता है कि ऊपर, जैसे अगर मैं सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछूं, ये आई है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस 2R है, ऐसे हुआ ना, और मेरा बस सिंपल ये क्वेश्चन है कि आई करंट को कैसे डिवाइड करेंगे इन दोनों में, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो यहां पे करंट है मान लो I1, यहां पे करंट है मान लो I2, पैरेलल में वी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो ऊपर वाले इसमें V कितना होगा I1 × R, और इसमें कितना होगा I2 × 2R, तो यहां से I1 to I2 की रेशियो कितनी आ गई, 2:1, लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल करंट कितना है I, तो I1 का हिस्सा क्या बनेगा 2/3 × I, और I2 का क्या बनेगा 1/3 × ऐसे करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन 2:1, तो 2/2+1 × I और 1/2+1 × I ऐसे करते हैं, तो समझ में आ रहा है यहां पर I/3 और 2 I/3, तो करंट इसमें अनइक्वल होगा, कोई डाउट इसमें? बस करंट आ गया, क्वेश्चन हो गया। कैसे? आपको इसमें B एट द सेंटर निकालना है, B निकालना है, प्लीज फोर्स नहीं निकालनी। तो ये वायर, ये जो वायर है ये यहां पे B लगाएगी, ये वायर भी B लगाएगी, ये वायर भी B लगाएगी, और ये भी B लगाएगी, और ये है क्या, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो एंगल क्या बनेगा इसका 45 एंड 45, तो ये बाइट सेवेट लॉ से म्यू नॉट बाय 4π 2I/3 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, ऐसे होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस में, हाँ उल्टा हो गया, इसमें उल्टा हो गया, इसमें उल्टे करंट हैं, ये होना चाहिए I/3, ये होना चाहिए 2I, चेंज कर लो प्लीज, ये होगा 2I/3,
यू आर आई बाय थ्री, कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है ना तो उसमें करंट कम होगा, उल्टा बना दिया राइट। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बस उसके बाद बैट सर्वेटो लगा लोगे, स्ट्रेट वायर की वजह से भी, स्ट्रेट वायर की वजह से भी, स्ट्रेट वायर सब में एंगल 45 45 45 एंड बैट सर्वेटो का क्या आंसर आएगा। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है, बाकी आपके होमवर्क है, आपको भी कुछ ट्राई करना है। हाँ, एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, रादर याद आया इसका अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक रॉड है राइट, कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया। क्वेश्चन नंबर वन, क्या इसके अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन, मैंने करंट नहीं जनरेट करवाया प्लीज, कोई बैटरी नहीं है बस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मैंने इस रॉड को उठा के मूव करवा दिया, जैसे ये मेरी रॉड है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को मूव करवाया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़ा हुआ था, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस कि नो? क्यों करेगा? क्योंकि मूविंग चार्ज है, वो अलग बात है, अकेला चार्ज नहीं मूव कर रहा, मेरी रॉड की वजह से मूव कर रहा है, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में बी एक्सपीरियंस करेगा, कितना करेगा? बी क्यू वी साइन 90। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कहां पर है? इस तरफ। बी कैसे है? बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी और बोर्ड में, बी में एंगल कितना है? 90, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो बी क्यू वी साइन 90। पहला रूल क्लियर है, कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन बताओ कहां लगेगी? फ्लेमिंग का बी कहां पर है? बोर्ड के इनसाइड, और सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज में पॉजिटिव चार्ज, जबकि मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है? राइट, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा होगा? लेफ्ट। तो बी, आप ना इमेजिन करो अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो आप ऐसे ही रूल लगाओ, तो फोर्स कहां लगेगी? नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगी? नीचे। समझाया यहां तक? आपने सेंट्रल फिंगर को इलेक्ट्रॉन के साथ कभी नहीं लेना, आपने इमेजिन कर लेना है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो प्रोटॉन, या एक ही बात है, तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? या उल्टा भी कर सकते हो, चलो मान लेते हैं कि आप बी यहां लेते हो और इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेते हो, तो फोर्स कहां आएगी? ऊपर। पर आपको रूल में कहा गया कि ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पे लगती है, तो आपकी फोर्स अगर ऊपर आ रही है उसकी डायरेक्शन नीचे कर दो, अल्टीमेटली नीचे ही आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड में कहां मूव कर जाएगा? नीचे, राइट। अब सोचो, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं रॉड को मूव करवा रहा हूं, सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगी? नीचे। सारे इलेक्ट्रॉन उठ उठ के कहां इकट्ठे हो जाएंगे? नीचे, जब तक आप फोर्स लगा रहे हो। आपको ऐसा नहीं था करंट जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए नीचे, करंट जनरेट होगा, और यही अगले चैप्टर की स्टार्टिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के लॉ यहां से प्रूफ है, फैराडे लॉ का। फैराडे ने कहा था ना कि मैग्नेट मूव करवाओ या रॉड को मूव करवाओ, करंट जनरेट होता है। लोग सोचते हैं कि अपने आप कैसे करंट जनरेट होता है, अपने आप नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रॉन मूव, रॉड मूव करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना, और जिस वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होना। समझ में आया यहां तक? इसको इंड्यूस करंट बोला जाएगा, आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है,
लाइट जलाना प्लीज, अक्षत लाइट जलाना। देखो करें स्टार्ट, पेज नंबर, टॉर्क का एक्सप्रेशन चेक करो प्लीज, कहां पर है टॉर्क, टॉर्क इसको घुमाना प्रतीक, स्क्रीन को नहीं, इसी को खड़ा होकर सेट कर थोड़ा सा, बस घुमा दे ट्राइपॉड वहां लेफ्ट राइट, बस थोड़ा देर घुमा ना तरफ, आराम से भाई आराम से, ओके चेक करो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, पेज नंबर कौन सा है, 115, चेक करें यार दिखा सही नहीं बैठा।